Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is art, like that, just like you can say about that practical geometry. Practical geometry, it means आप लाइन ड्रा करते हैं तो कैसे करते हैं, किसी लाइन के पहले लाइन ड्रा करते हैं तो कैसे करते हैं, ट्राइंगल ड्रा करते हैं कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं कैसे करते हैं, तो ये कैसे, हाउ कैन यू ड्रा, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर बाय यू इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक. द टॉपिक इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. तो बेटा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम क्लास सिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं. कंस्ट्रक्शन, यू कैन से अबाउट कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन अभी आप कंस्ट्रक्शन कागज पे करेंगे और कल बड़े बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, तो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई दिक्कत है, सब कुछ बराबर है. फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन करना है. तो सबसे पहली चीज है, जो बेसिक चीज है, कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ज्यादा यूज होता है रूलर, कंपास, रूलर का यूज होगा, कंपास का यूज होगा, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, प्रोटेक्टर, कुछ बेसिक चीजें होती है जिसका हम बात करते हैं कि कैसे आप, जैसे जो 15 के मल्टीपल एंगल होते हैं, जो एंगल 15 के मल्टीपल में होते हैं, उन एंगल्स का आप कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, उन एंगल्स को कैसे ड्रा किया जाता है. वैसे एक बात बताऊं, मेरे पास कंपास तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम जुगाड़ लगा लेते हैं, हमारे पास ये धागा है ना, हम इसी से कंपास का काम करेंगे, आपको समझाएंगे. वैसे रूलर यानी स्केल इस टाइप का होता है, इसको हम रख के हम लाइनिंग ड्रा करते हैं, कितना सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना है, कैसे करना है, सारी चीजें रख के हम इसे ड्रा कर सकते हैं रूलर से. उसके बाद कंपास, मेरा कंपास कुछ बड़ा है, आराम से हम इसमें चाहे तो आर्क भी लगाना हो आराम से आर्क लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसकी पेंसिल ही नहीं है तो हम आपको दिखा रहे हैं कंपास. उसके बाद क्या बेटा, इसको डिवाइडर कहते हैं, दैट इज, और बहुत सारी चीजें हैं. देखिए ये हो गया प्रोटेक्टर आपका, दैट इज प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर काम करेगा, इससे एंगल बनाते हैं, इससे हर एंगल बना सकते हैं, 15 के मल्टीपल का भी, 15 के मल्टीपल का भी नहीं, लेकिन जो 15 के मल्टीपल का एंगल होता है, जो 15 के मल्टीपल का एंगल होता है, उसको हम कंपास से भी ड्रा कर सकते हैं. और कंस्ट्रक्शंस में अगर आपको 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, सच टाइप्स ऑफ एंगल्स अगर ड्रा करने के लिए आता है, तो दीज एंगल्स कंस्ट्रक्ट बाय यू विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास. ओके, और ये है सेट स्क्वायर्स, ये देखिए, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, ये 45 डिग्री क्योंकि इसका ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, और ये 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये 60 डिग्री का होता है. तो इनका यूज करके आपके पास कंपास होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होगा, आप इसमें यूज करके बनाएंगे सारी चीजें. कुछ है नहीं बेटा, इसमें सारी चीजें आपके पास हैं, आप सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. खैर हम अपने कंपास की बात करते हैं, मैं अपना कंपास कैसे बनाऊंगा. देखिए ये मेरा कंपास है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस अपने मार्कर में लगा देंगे, ये देखिए, तो इसमें हो जाएगा. फिर हम लोग आज सबसे पहले ड्रा करेंगे, अगर आप लोगों को एंगल बनाना आता है तो हम डायरेक्ट आपके टॉपिक से शुरू करेंगे, और एंगल बनाना नहीं आता है, मेरे पास धागा भी नहीं मिला, जोर जोर बनाए हैं, क्या करें, मजबूरी है, ठीक है. तो ये आपका, मेरा कंपास तैयार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हमें, ये देखिए मेरा कंपास तैयार हो गया है, कैसे कैसे ड्रा करेंगे. हाउ कैन यू ड्रा अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन, एक लाइन दिया हुआ है और उस लाइन के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है. जब क्लास सिक्स में थे आप, सबसे पहले आपको एंगल के इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करना बताया गया, एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना बताया गया, एंगल का, एंगल के इक्वल एंगल कैसे ड्रा करेंगे, किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सारी चीजें बताई गई हैं.
देखिए अगर ये लाइन दिया हुआ है, हम टॉपिक पे आ गए हैं, मान लीजिए ये लाइन एल है और यहां पे एक पॉइंट दे दिया है एम, दिस इज अ लाइन एल, दिस इज अ पॉइंट एम, फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन ड्रा अ लाइन दैट इज पैरेलल टू एल। इस एम से हमको एक लाइन ड्रा करना है जो इसके पैरेलल है। सबसे पहले पैरेलल की डेफिनेशन आपको होनी चाहिए, टू आर मोर लाइंस लाइज ऑन द सेम लाइन, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, आइदर एक्सपेंड देम इन आइदर डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप्स भी वैसे ही लिखते जाएंगे, हम लास्ट में स्टेप्स लिखेंगे। टू का पॉइंट पी आर लाइन है, एल पर हमने पॉइंट पी ले लिया, क्या है एक लाइन दिया हुआ है और उस लाइन के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है उस पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रा करना है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने जो आपको लाइंस एंड एंगल्स में बताया था, पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टीज या पैरेलल लाइंस पढ़ाया था ट्रांसवर्सल और पैरेलल, उसका यूज हम करें, कैसे करेंगे देखिए। टू का पॉइंट पी आर लाइन एल, क्या क्या गिवन है, अ लाइन एल ये गिवन है, a line L and a point M outside of line L. To construct, क्या construct करना है, construct a line passing through M and parallel to L, parallel to, ये parallel के साइड, parallel to, हम steps देखेंगे, steps of construction, took a point, first, took a point, P on line L, and join MP, M से P को क्या किया आपने, join किया, ध्यान देना बेटा, ये मान लीजिए पॉइंट, हमने M से P को क्या किया, join कर दिया। अब देखो बेटा, एक एंगल के इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल के इक्वल, अब किसी दिए हुए, अब क्या करें, ध्यान समझिएगा क्या होता है, जैसे अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, हाँ आपके दिमाग में जो आंसर आया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस वही करेंगे, इस एंगल के इक्वल हम नया एंगल बनाएंगे। स्टेप टू, कंस्ट्रक्ट एन एंगल आई एम इक्वल टू एंगल पी, हम क्या करेंगे, एंगल पी के इक्वल कंस्ट्रक्ट an angle equal to angle P, construct an angle from point M equal to angle P। अब देखिए कैसे एंगल के इक्वल एंगल कैसे करना, कोई भी डिस्टेंस लेकर, नॉट डी टू राइट हाउ कर, बस ये आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी कंपास की डिस्टेंस लेकर, कंपास कोई भी डिस्टेंस लेकर कंपास के नील को पॉइंट बी पर रखिए और एक ऐसे आर लगा और उसी डिस्टेंस से पॉइंट एम से आर लगा, उसी डिस्टेंस जिस रेडियस से आपने पॉइंट बी से आर लगाया उसी रेडियस से एम से आर लगाए, उसके बाद ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ये डिस्टेंस दिख रहा है आप लोगों को, ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक, याद रखना बेटा, इस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद यहां से आप क्या करेंगे, ऐसे आर लगाएंगे और ये इंटरसेक्टिंग आर्क को मिला लेंगे बराबर, इसको पीछे भी इंक्रीज कर देंगे, इसको मान लीजिए एम, कंस्ट्रक्ट एन एंगल फ्रॉम पॉइंट एम इक्वल टू एंगल पी एंड ड्रा अ लाइन एन थर्ड,
लाइन एन इज पैरेलल, ये हमने लिखा ना इसको मैं साथ में पैरेलल टू एल, बस कुछ नहीं करना है इसमें। अब हाउ कैन यू ड्रा दीज एंगल्स, इट्स अ प्री नॉलेज, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ एट एम, कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू एंगल पी एंड ड्रा अ लाइन एल, एम पर इस एंगल पी के इक्वल एंगल बनाते हुए एक लाइन एन ड्रा किया, ठीक है। अब ये जो लाइन एल है इस एल के पैरेलल होगा, ये और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब कोई लाइन दिया हो और लाइन के बाहर कोई पॉइंट दिया हो, उस पॉइंट से उस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करना हो, आप क्या करिए, उस लाइन पर एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से जो गिवन पॉइंट आपने लिया उसको मिला दीजिए, फिर जो एंगल यहां बन रहा है इस एंगल के इक्वल यहां एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करिए, चाहे इस एंगल के इक्वल यहां एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल, और जो लाइन ड्रा करेंगे वो इससे पैरेलल होगा, ये इनवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल के इक्वल एंगल बनाकर आप ड्रा करो। अब क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन लाइन दिया है, लाइन के बाहर एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से पहले लाइन ड्रा करना है, आई होप आप ड्रा कर लोगे। दूसरी चीज, कोई लाइन दिया हो और उस लाइन पर कोई पॉइंट दिया हो, अब उस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस दिया हो, अ लाइन एल, मान लीजिए हमने दिखाया अ लाइन एल एंड अ पॉइंट अलाइन एल टू कंस्ट्रक्ट, और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं टू कंस्ट्रक्ट A line parallel to L at a distance of 4 centimeters. अब steps of construction. सबसे पहले क्या करेंगे? Draw a line. हमने एक line L draw कर ली. अब इस line से 4 centimeters की distance पर हमें एक लाइन ड्रा करना है, इस लाइन से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें एक लाइन ड्रा करना है जो इसके पैरेलल हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए एम, टुक अ पॉइंट एम, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रा लाइन एम, सेकेंड टुक अ पॉइंट एम ऑन लाइन एल, लाइन एल पर हमने एक पॉइंट एम ले लिया, अब इस एम से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये भी आपने पढ़ा है, नहीं तो इसको हम एक वीडियो में बना देंगे कैसे एंगल बनाते हैं। किसी लाइन के बाहर कोई पॉइंट दिया, देखिए ये लाइन है, इस पर अगर कोई पॉइंट दिया, ये तुम्हें दिया है, अगर बाहर कोई पॉइंट दिया है, इस बाहर पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करते हैं, कंपास की निडिल को यहां रखते हैं पॉइंट पर, और पेंसिल की नोक को इस लाइन से थोड़ा दूर लेके जाते हैं, ध्यान दीजिए, और एक ऐसे आर्क लगा लिया, लगा लिया, ये दो पॉइंट मिलते हैं, इनके हाफ से बड़ा डिस्टेंस लेकर, देखिए इनके हाफ बड़ा डिस्टेंस लेकर, या मारा या मारा, इसको मिला दिया, जब प्रोटेक्टर से मीजर करेंगे तो यहां 90 का एंगल बनेगा, यानी दिस परपेंडिकुलर टू दिस, ये हो गया लाइन के बाहर एक पॉइंट है, ऐसे हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं ट्राइंगल में, ऐसे हम क्वाड्रेंट में किसी भी क्लोज फिगर में एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, किसी एक्सटीरियर साइड पॉइंट दिया है और कोई लाइन दिया उस पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं, और जब कोई लाइन पर ही पॉइंट दिया है या डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं कैसे, देखिए कोई भी डिस्टेंस लेकर कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखिए, कोई भी डिस्टेंस लेके ऐसे आकर लगा दीजिए, ओके, और उसके बाद जो दो पॉइंट मिला इनके बीच की जो डिस्टेंस थी इसके हाफ
सारा डिस्टेंस ले, took more than half of the distance and draw arc from both points on one side and join these intersecting arc together. This part of the अब आप देखेंगे बेटा, इसको अगर हम मेजर करेंगे, देखिएगा इसको अगर हम मेजर करेंगे इससे, ये एंगल 90 का बनेगा, देखिएगा फिक्स 90 का एंगल बन रहा है हमारा, देखिए ये 90 का एंगल फिक्स बन रहा है, देखिए ठीक, इससे हम मेजर कर सकते हैं। अब यहां से अब इसी पर हम 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, तो चूंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, तो हम इसी पर स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से हम 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, इंच में ले रहे हैं, हम मान लेते हैं पॉइंट यहां, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड, इसको हम MX, draw a ray MX at M which is perpendicular to L, यानी MX perpendicular, यानी M से perpendicular line 90 degree का, नहीं कुछ आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर, और इस पर टू का पॉइंट पी, फोर्थ टू का पॉइंट पी ऑन एमएक्स सच दैट एमपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब अगेन हम पी पर भी क्या करेंगे, 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, ऐसे वही काम यहां भी करेंगे, देखिए एक ऐसे कोई भी डिस्टेंस लेके ऐसे आग लगे, और ये जो दो पॉइंट जो हमने यहां किया वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, देखिए, और इससे इसको मिलाते हुए, देखिए इससे इसको मिलाते हुए ऐसे बढ़ाएंगे और दोनों तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, क्या लीजिएगा ऐसे, ठीक है बेटा, ये देखो ऐसे। अब कुछ है नहीं बेटा, ऐसे ड्रा करना है आपको, ये चीजें पेंसिल की नोक बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ये आपका आया था, ऐसे ड्रा कर लेंगे, तो जो ये लाइन होगी इसकी पैरेलल कैसे होगी देखते जाइए भाई, 90 का एंगल यहां भी है, 90 का एंगल यहां भी है, दोनों एंगल 180 डिग्री के हो गए, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गया, या 90 का एंगल ये भी 90 का एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तो इस तरीके से कोई लाइन दिया हो, उस लाइन से कुछ दूरी पर, यानी कुछ डिस्टेंस पर दूसरी लाइन उसके पैरेलल ड्रा करनी है, वो डिस्टेंस दिया हो आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको बताया, अगर कोई लाइन दिया हो, लाइन के बाहर कोई पॉइंट दिया हो, उस पॉइंट से उस लाइन के पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करते हैं वो मैंने इसके पहले बताया, इसमें एक लाइन दिया है, उस लाइन से कुछ डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है, अब क्या करेंगे, उस लाइन पर कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए कोई लाइन कोई रे ड्रा करके जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ले लीजिए, और फिर उसी पॉइंट पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए, वो लाइन इसके पैरेलल होगी, इस तरीके से आप ड्रा करते हैं। अब इसका जो बेसिक चीज है वो मैं आपको बता दूंगा, बेसिक चीज बताने से सारी चीजें हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैं उसको रिवाइज कर दूंगा वीडियो में, ठीक है, या प्रीवियस वीडियो में किया भी होगा उसे देख लीजिएगा, अगर कोई समस्या आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बेटा हम मन से प्रैक्टिस करते रहिए, ये आर्ट आर्टिकल मैथ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हार्ड प्रैक्टिस। सो डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, थैंक यू।